शौक का कोई मोल नहीं होता, ये कहावत पूरी उतरती है वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद में मुकीम मर्दान के रिहायशी मोहम्मद बिलाल पर, जो कि स्केटिंग का शौकीन है। मोहम्मद बिलाल ने हाल ही में खिंजराब से लाहौर तक का सफ़र स्केटिंग करते हुए तय किया। ये सफ़र कैसे तय किया, क्या मुश्किलात पेश आईं, इस सफ़र की कहानी हम सुनाएंगे आपको उन्हीं की ज़बाने। तो आइए चलते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल खुनजादा है और तकरीबन स्केटिंग में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। कब से शुरू किया था, कैसे शुरू किया? मैंने बचपन से स्टार्ट किया था, तकरीबन मैं उस टाइम 6 to 7 ईयर्स का था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कराची में सीखा और डिफरेंट जगहों पर सीखा और रिसेंटली जो है ना हम इस्लामाबाद जब आए तो फिर मैंने यहाँ पर स्केटिंग की और काफ़ी लोगों ने इसमें जो है ना इंटरेस्ट जाहिर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर एक एकेडमी चला रहा हूँ इस्लामाबाद स्केटिंग एसोसिएशन के नाम से, तो जिसमें काफ़ी बच्चे जो है ना हमारे साथ सीख रहे हैं, उसमें बच्चे बड़े और इनके पेरेंट्स भी जो है ना 73 ईयर्स तक जो है ना लोग हमारे साथ स्केटिंग करते हैं। तो आपने खुद स्केटिंग कहाँ से सीखी? मैंने खुद ही सीखी है, जो भी थी उसमें फ्री स्टाइल है, स्पीड स्केट्स है, वो मैंने खुद ही सीखी क्योंकि उस टाइम ऐसा दौर था कि ना कोई लैपटॉप मोबाइल इन चीज़ों का दौर नहीं था, बिल्कुल सादगी वाला दौर था। तो शुरू में मुझे ये बूट जो है ना एक दोस्त ने मुझे दिए थे, तो फिर ये मैंने खुद अपने भाई किए थे, उसके बाद जो है ना मैंने ये गेम स्टार्ट की थी। तो ये बताएं कि आप जैसे बता रहे हैं कि आप डिफरेंट सिटीज़ में भी रहे हैं, इस्लामाबाद में आप कब से आए हैं और यहाँ पर आपने कैसे स्टार्ट किया था, क्या मुश्किल पेश आई थी स्टार्ट में आप? हाँ, इस्लामाबाद में मुझे सबसे ज़्यादा CDA वालों ने मसले खड़े किए थे कि यहाँ पर मुझे स्केटिंग की परमिशन नहीं दे रखे थे, आप यहाँ पर स्केटिंग करें लेकिन नहीं आप किसी बच्चों को टीच कर सकते ना किसी और को जो है ना, लाइक आप खुद करें लेकिन ये टैलेंट किसी और तक आप ना पहुँचे। तो ज़्यादातर मुझे मुश्किलात जो है ना CDA वालों की तरफ से हुई है। जैसे आप स्केटिंग करते हुए डिफरेंट पूरे वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद की शराहों पर नज़र आते हैं, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, लोगों का रिस्पॉन्स लाजमी बात है कि जिस तरह लड़कियां रोड पे जा रही थी डिफरेंट लोग इसको हरासा करते, इस तरह हमें भी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये सिर्फ औरतों के साथ ये मसला है, हमारे साथ भी मोस्टली यही होता है, कोई पीछे से आ रहे बाइक पे जा रहे, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने जो है ना उल्टी सीधी बात भी कर जाते, लेकिन हमने अपनी गेम पर फोकस करनी थी और अपनी जो है ना टारगेट की तरफ जाना। मेरा मकसद ये है कि अपने कौम के बच्चों को एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवजा करूँ ताकि वो गैर सरगर्मी से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवजा हो, इससे बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं और इनसे जो बाकी लोग जो ऑफिस में होते हैं माए घरों में होती है वो काम की रूटीन से हट कर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवजा हो सकती है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप ये देखें तो वहाँ पर हर किस्म के लोग जो है ना ये गेम कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई वो इस चीज़ों को नहीं, लेकिन पाकिस्तान में खासकर मैं इन चीज़ों को स्केटिंग को प्रमोट करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह होपली कि अभी हम नेशनल लेवल पर जो है ना इनकी कॉम्पिटिशन करवा दें और कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना इसको लेके जाएँगे। जो आपने एकेडमी बनाई हुई है स्केटिंग की, तो उसमें कितने बच्चे हैं, कब से बनाई थी और उसमें हिफाजती इकदाम का किस हद तक ख्याल रखा जाता है? तकरीबन मेरे एकेडमी के हो गए 6 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें ये कि विदाउट सेफ्टी गियर्स है स्केट एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आते हैं, चोट लगने इसमें एक आम सी बात है, लेकिन वहाँ पर हम सेफ्टी गियर्स की जो है ना बगैर सेफ्टी गियर्स किसी बच्चे को परमिशन नहीं देते। जो लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं उनको तो ये एक वीडियो गेम जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये खतरनाक गेम है, पहले आप इसकी जो है ना बुनियादी तरबियत हासिल करें उसके बाद आप ये गेम ट्राई करें। आपको खुद कितनी चोटें आईं? मैं अगर अनलिमिटेड जो है ना अभी तक तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने, लेकिन ज़्यादा मुझे इतनी चोटी नहीं क्योंकि मैंने अपने हिफाजती लाइक मेरा ये जुनून था, तो जुनून की जब बात की जाए तो फिर उसमें जो है ना वो रास्ते में रुकावटों को नहीं देखा जाता। घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी, लाइक ज़्यादा उन्होंने मना किया था, वो ना तो स्केटिंग की पेमेंट मुझे कर देना कोई और चीज़, तो ये चीज़ें मैं अपनी पॉकेट मनी से, लाइक उस टाइम यही था कि एक दो दो रुपए जो है ना, तो जब हमें आता नहीं मिलते थे जो है ना अगर स्कूल जाते थे तो इतनी पैसे मेरी पॉकेट में, तो वही पैसे मैं जमा करके ये चीज़ें लेते, जब वो मैं ले लेता और घर में पता चल जाता तो फिर वो जो है ना अबू या तो फेंक देते या उसको जला लेते, तो इसी की डर की वजह से या तो मैं घर की किसी खास कोने में उसको छुपाते या दोस्त को घर जो है ना ये स्केट रखवाते। तो अब घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा? अब तो वो काफ़ी हैरान है क्योंकि पैसे कमाने के जो है ना डिफरेंट तरीके हैं, सिर्फ एक नहीं है कि भाई स्कूल जाना है, किसी लेवल तक तालीम हासिल करें, फिर दर बदर ऑफिस जगहों पर टोकरे मार के आपको नौकरी मिली, फिर वहाँ से आप इनकम करेंगे। तो स्केट जो है ना ये स्केट जो है ना मेरा बिजनेस भी है और ये मेरा शौक भी है। इस सफ़र की कहानी कैसी है? बहुत मज़े की जो है ना हमारा सफ़र रहा क्योंकि हमें यकीन नहीं था, क्योंकि जब हम यहाँ से जा रहे थे 100-200 किलोमीटर जब हमने किया तो हमने कहा कि भाई ये तो टारगेट तो वहाँ से आना पॉसिबल ही नहीं है, जगह भी ख़राब है, रास्ते भी काफ़ी ख़राब है, टट्टा पानी और दूसरी नारायण का खान की अगर रोड आप देख लें काफ़ी ख़राब है, लेकिन जब हमने अल्लाह का नाम स्टार्ट किया तो वो सफ़र नहायत खूबसूरत रहा। ऐसी वो जो चाइना बॉर्डर से आप स्टार्ट करते हैं, तबाद लेक,
पासू और वो इतने हैरतअंगेज मनाजर होते कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि भाई स्केट्स को मैं ब्रेक लगाऊं। तो ये सफ़र आपने कितने दिन में तय किया? ये सफ़र जो है ना 4 डेज में हमने कंप्लीट किया, जिसमें तकरीबन डेली हम 8 से 9 घंटे जो है ना इसमें स्केटिंग करते थे। तो ये सफ़र तय करते हुए रास्ते में लोगों का रवैया कैसा था? रास्ते में लोग हैरान थे कि भाई ये दूसरा कोई खलाई मखलूक आएगी कि जो स्केट जिस स्पीड से वो जाते थे, मतलब वो एकदम से एक बंदा आ रहे आपकी नज़र से उजल हो जाते, तो उनको हैरत होती कि ये इंसान था या कोई एलियन था। तो काफ़ी लोग हैरान, जब हम रुकते थे तो पीछे से लोग आते कि भाई आप कहाँ से, और फिर वो डिटेल्स पूछ रहे, तो फिर हम उनको बता दें कि हम इस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान की खूबसूरती को प्रमोट करना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो बैड बुरा इमेज है लोगों के बाहर की दुनिया फॉरेनर्स और दूसरे लोगों की नज़र में, उनको जो है ना फेसबुक और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है, वो अच्छी वीडियोस देखते हैं, उनको पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में तो ये भी खूबसूरती टूरिज़म के हवाले से काफ़ी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है ना उन्होंने इंतज़ाम किए हुए, तो उनको ये अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई जब वो वीडियोज़ देखेंगे तो कि भाई अगर बंदा वहाँ स्केटिंग कर सकता है तो वो कितना सेफ इलाका है, तो वो जो उसको देखे जो है ना वो पाकिस्तान विजिट के लिए लाजमी लोग आएंगे। अभी आप सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, क्या हुकूमती सतह पर कभी आपको अप्रिशिएट किया गया या आपके एकेडमी के लिए कुछ इकदाम किए गए या नहीं? अभी तक तो नहीं कि अगर हम हुकूमत के सहारे बैठ जाए तो फिर तो हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं, तो अगर हमने कुछ करें तो अपनी मदद आपके दे, अगर हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह हमें कामयाबी देगा, अगर हम घर में इसी तरह जो है ना उम्मीद होकर बैठ जाए तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। जो स्केटिंग सीखना चाहते हैं कितने अरसे में ये आप सीख सकते हैं? बिगनर्स का 4 मंथ का कोर्स है, लर्नर्स का 6 मंथ और एक्सपर्ट का 1 ईयर। अब ये बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि उसका कितना शौक है, अगर ज़्यादा शौक हो तो बच्चा जितना ज़्यादा शौक उतने वो बच्चे जल्दी भी करते हैं। यूथ को कोई मैसेज देना चाहें, नौजवानों को कोई मैसेज? यूथ को यही कहूँगा कि भाई अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें और बुरे चीज़ों से ये नश दूसरी चीज़ों से बचें और अपने आप को फिट रखें। सेहत जो है ना 1000 नेमत है, तो अपने आपको अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो कौम तरक्की करेगी, अगर यूथ सेहतमंद नहीं रहेगी ख़राब चीज़ों दूसरी एक्टिविटीज़ में मुलविस होगी तो फिर जो है ना कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। हमारे नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जाएँ। कैमरा मैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ़ डिजिटल, इस्लामाबाद।